आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। कमोडिटी बाजार से जुड़ी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में। सोयाबीन, अरहर और चना के दाम में थोड़ी गिरावट आई है। वर्तमान में सोयाबीन और चने की आवक बड़ी मात्रा में हो रही है। सोयाबीन का भाव 8000 तक नहीं पहुंच पाया है। देश भर में गेहूं की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। व्यापारी खेतों में ही किसानों से एमएसपी से अधिक कीमत पर गेहूं खरीद रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस समय गेहूं की जबरदस्त डिमांड है और हर रोज इसकी कीमत में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में विशेषज्ञ का कहना है कि इससे बेहिसाब निर्यात से देश में ही इसकी किल्लत हो सकती है। अप्रैल के द्वितीय पक्ष में राशन के साथ चना, तेल व नमक गोदाम में नहीं पहुंच पाया है, जबकि वितरण के लिए चावल व गेहूं पहुंचाना शुरू हो गया है। अभी तक 28 अप्रैल से राशन वितरण किया जाना प्रस्तावित है। प्याज की खेती करने वाले किसानों की हालत बेहद खराब है। प्याज के दाम किसानों की उत्पादन लागत से भी कम मिला है। प्याज के कम भाव के चलते किसानों को लागत मिलने भी मुश्किल हो गई है। बढ़ती महंगाई के दौर में लागत भी करीब 7 से 10 रुपए प्रति किलो आ रही है। दुनिया के अग्रणी पाम ऑयल उत्पादक देश इंडोनेशिया के खाद्य तेल निर्यात पर पाबंदी लगाने की घोषणा से दिल्ली बाजार में सरसों, तिलहन एवं मूंगफली दाने में तेजी देखी गई है। इसके अलावा सोयाबीन तेल व पामोलियन के भाव में भी उछाल देखा गया है। गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहे श्रीलंका की मदद के लिए भारत ने उनसे ईंधन खरीद के लिए $50 करोड़ की अतिरिक्त ऋण सुविधा देने के लिए वह राजी हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के वायदा बाजार में सरसों के तेल में अभी राहत है। यूपी के तेल तिलहन बाजार में उतार चढ़ाव का दौर शुरू हो गया है। आज 25 अप्रैल से यूपी में सरसों का तेल 164 रुपए पर खुला है। राजधानी दिल्ली में इस सप्ताह तापमान सामान्य से 6 डिग्री अधिक रहने का आसार है। 25 से 30 अप्रैल के बीच अधिकतम तापमान 40 से 44 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। केंद्र सरकार का उर्वरक सब्सिडी खर्च, यूरोप में युद्ध के कारण जींस और तेल की लगातार ऊंची कीमतों से चालू वित्त वर्ष में 2.10 से 2.3 लाख करोड़ रुपए तक रह सकता है। देश में वित्त वर्ष 2023 का बजट अनुमान 1.05 लाख करोड़ रुपए का है। यूक्रेन में युद्ध और वैश्विक स्तर पर मांग बढ़ने से ऊर्जा की कीमतों में उछाल आया है, जिसका भारत पर बड़ा असर पड़ा है। 31 मार्च को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत का कच्चे तेल का आयात भी लगभग दोगुना होकर $119 अरब हो गया है। तो कमोडिटी बाजार से जुड़ी बड़ी खबरों में अभी बस इतना ही। और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।